हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देखिए ब्लॉग। दोस्तों आज आप लोगों के लिए देखो कितनी प्यारी गाड़ी लेके आई है। अपनी ह्यूंडई की अल्का ज़ार है, टॉप मॉडल है दोस्तों। इसका सिग्नेचर ऑप्शनल और ये डीजल मैनुअल अभी आप लोग देख रहे हो, जिसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। मैं आज आपको दिखाता हूँ भाई क्या चेंज आ गया है इसके अंदर। तो दोस्तों सीधा चेंज की बात बताता हूँ कि अभी डीज़ल गाड़ियों के अंदर चेंज आ गया भाई। अल्का ज़ार का टॉप मॉडल है, इसमें आपको अब सनरूफ किसी में भी नहीं मिलने वाला। चाहे टॉप या बेस कोई सा भी ले लो, किसी में भी अब आपको सनरूफ देखने को अब नहीं मिलेगा इसके अंदर। अरे लाइट हो क्या हो गया इसके। हेलो फ्रेंड्स, देखोगे तो यहाँ पे आपको एलईडी एच शेप के अंदर हुंडई की आपको एलईडी डीआरएस देखने को मिलता ही यहाँ पर, एंड पूरी कनेक्टेड वाली हुंडई का लोगो। फ्रंट में आपको यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, देख लो भाई, मतलब कैमरे के अपने वो लगे हुए। और नीचे की तरफ स्कीड प्लेट आपको देखने को मिल जाती है सिल्वर फिनिश की इसके अंदर, और उसमें काफ़ी प्यारी डिज़ाइन के अंदर क्रोम की आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इसकी एलईडी लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ पर लोगों में हाई बीम्स की ऑटोमेटिक लाइट आती है, अंधेरे को सेंस करते चालू होती है। अल्का ज़ार में बहुत सारे फीचर आते हैं, डीजल ऑटोमेटिक अभी आप देख रहे हो, ऑटो की बेजिंग। ओआरईएम्स की बात करें, इलेक्ट्रिक एडजस्ट, इलेक्ट्रिक फोल्ड, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ आते हैं। गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा था, इसलिए यहाँ पर भी आपको लगाव मिलेगा सेंसर्स का। डायमंड के अलॉय व्हील आपको देखने को मिलते हैं चारों में ही, डिस्क ब्रेक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड साइड से देखो कितनी खूबसूरत लगती है देखने के अंदर, काफ़ी बड़ी गाड़ी है। चारों में डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे। टायर की प्रोफाइल आपको मैं बता देता हूँ, 215 55 R 18 इंच के आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। एंड रियर से भी देख लो, कनेक्टिंग राइट लाइट आपको रियर से भी देखने को मिलती है अल्का ज़ार के अंदर। अल्का ज़ार की बेजिंग मिल जाएगी हुंडई का लोगो। यहाँ पर आप वाइपर डिफोगर हाइमर स्टॉप लैंप देख लो भाई, वाइपर डिफोगर सिग्नेचर की बेजिंग भी मिल जाती है पीछे। हुंडई का यहाँ पर लोगो भी मिल जाएगा। रियर का जल्दी से दरवाज़ा दिखा दूँ, ये टॉप मॉडल दोस्तों इसका, इतना वाइट खुलता उतना चढ़ना बहुत ईजी इसके अंदर। यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलती है, एमबी लाइट है जो बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है देखने के अंदर। यहाँ पर बोस का स्पीकर, यहाँ पर अपना वाटर होल्डर आपको देखने को मिलती है जगह। और यहाँ पर अंदर सीटें आप देख सकते हो, पूरी लेदर की सीट आपको देखने को मिलती है। मैं अंदर बैठ के दिखा देता हूँ यार, ठीक है। यहाँ पर आपको सीट देखने को मिलती है, इसमें ये अपना आर्मरेस्ट मिल जाता है इधर। काफ़ी प्यारा कम्फर्ट आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर अपना कंफर्ट बढ़ाने के लिए आप यहाँ से अपना थाई सपोर्ट मतलब बढ़ाने के लिए आप यहाँ से इसको आगे भी कर सकते हो, पूरा लेदर है। और मैं बताऊँ दोस्तों, इसमें आपको इतना मज़ा आने वाला है इस गाड़ी के अंदर, अगर आप अल्का ज़ार खरीदोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एक मिनट लाइट ऑन कर दो इसकी अंदर भाई, देख लो यार, ये डीजल वालों के साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि भाई आगे जाके डीजल बंद होने का। तो भाई यहाँ पर सनरूफ हटा दी गई है, बेसिक सी लाइट आ जाएगी ऊपर एलईडी वाली, आगे भी एलईडी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फोल्डेबल ग्रे पेंडल देखने को मिल जाएगा। आप दोस्तों चाहे अल्का ज़ार का कोई सा भी मॉडल ले लो डीजल के अंदर, सिर्फ डीजल की बात कर रहा हूँ, सनरूफ नहीं मिलेगा, पेट्रोल में सनरूफ मिल जाएगा। आर्मरेस्ट कुछ इस तरीके का मिलता है, बीच में यह स्पेस दी गई है, अजीब सी मतलब बड़ी सी स्पेस दी गई है, यहाँ से आप पीछे भी जा सकते हो। पीछे आपको पोर्ट मिल जाता है, वो देख लो, यहीं से दिखा दूँ, यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा एसी वेंट्स के साथ में, और कप होल्डर्स वगैरह आप यहाँ आपको देखने को मिलते हैं उस साइड। आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको एक सेकंड यार, पीछे जाके मैं आपको दिखा दूंगा। एंड यहाँ से आप इसको पीछे भी कर सकते हो, सीट को आगे और पीछे दोनों तरफ कर सकते हो। अभी मैं पूरी पीछे कर ली, यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर आप कुछ खा पी भी सकते हो, मतलब अपन जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हो। एक मिनट इसको निकालूँ बाहर में। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर भी आप चाहो तो अपना गिलास वगैरह यहाँ पर आप लगा के आराम से अपनी इन्जॉय कर सकते हो। लैपटॉप भी आप इस पर रख सकते हो भाई, आराम से ये वजन झेल लेगा। काफ़ी बढ़िया चीज़ आप यहाँ पर देखने को मिलेगी अल्का ज़ार के अंदर। यहाँ पर आप एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, पीछे बैठे हो आप और आगे इस साइड पे कोई नहीं बैठा है, तो आप चाहो तो इस सीट को यहीं से एडजस्ट कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो पीछे भी कर सकते हो, इसे देखो भाई अपने हिसाब से सीट कर सकते हो। यही की सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी, दो ए सी वेंट्स, फास्ट चार्जिंग के पोर्ट मिल जाते हैं, ठीक है। ऊपर तो कुछ नहीं आता यार डीजल में, तो ख़त्म गाड़ी, कुछ नहीं है डीजल में। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सीट बेल्ट लीवर ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लाइट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हुक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सामान रखने को मिल जाएगा, टूल्स वगैरह का
कर देते हैं। यहाँ पर आपको बोस का स्पीकर मिल जाएगा, सीटें गिराओगे तो और भी कंफर्ट बढ़ जाएगा, मतलब बूट स्पेस बड़ा हो जाएगा। एंड वो देख सकते हो यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, मतलब स्पीड, फैन की स्पीड, चार्जिंग का पोर्ट और अपना ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं इसमें। और नीचे की आप पता है दोस्तों, डीजल गाड़ी के अंदर एक और माइनस पॉइंट है, इसके अंदर अब आपको स्टेपनी व्हील नहीं मिलेगा। देख लो भाई, स्टेपनी व्हील आता था इसके अंदर, डीजल गाड़ी में से स्टेपनी व्हील भी हटा दिया। ऊपर रूफ रेल वगैरह शार्क फिन एंटीना मिल जाता, सनरूफ नहीं आता, चाहे कोई सा मॉडल हो रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। और एक और नया फीचर ऐड कर दिया इसमें, जैसी चाबी वगैरह भूल जाओगे तो फ़ोन में आप कनेक्ट करके रखो ब्लू लिंक से, तो यहाँ टच करो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और अपना एक मिनट अब आगे का दरवाजा ही दिखाया था, उसके बारे में फीचर के बारे में बताऊँगा। वहाँ वायरलेस चार्जर पर रखोगे तो गाड़ी मतलब ऑन हो जाएगी, ऐसा कुछ दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हो दरवाज़ा इतना वाइड खुलता है, वेंटिल, यहाँ पर अपना सीट एडजस्ट करने के फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये देख लो भाई, ऐसी चारों पार विंडोज़ कंट्रोल, ओरियन के कंट्रोल, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें लाइट देखने को मिल जाएगी। एम्बिएंट लाइट है भाई इसमें, बहुत प्यारी मिलती है अल्कज़र में। यहाँ पर बोतल होल्डर, बोतल भी रखी हुई है, स्पीकर यहाँ पर बोस का स्पीकर, इलेक्ट्रिक सीट मिलेगी एट में, फ्यूल टैंक खोल सकते हो, बोनट ओपन कर सकते हो। यहाँ से फीचर बता दूँ आपको, एडजस्ट स्टार्ट सब स्विच, पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेड लैम्प के जो लीवर ऊपर नीचे कर सकते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी मिलता है। ट्यूटर की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है, 8 बोस के स्पीकर देखने को इसमें आपको मिलते हैं। एक मिनट इग्निशन ऑन कर लेते हैं, बंद करो। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा है इसका इंटीरियर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ी मतलब नाइट में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, फिर भी आप वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको देखने के अंदर। अंदर से लग्जरी मतलब बहुत प्यारी गाड़ी बनी है हुंडई वाला ने भाई, अल्कज़र काफ़ी खूबसूरत लगती है अंदर से देखने के अंदर। ये देख सकते हो इसका स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर पूरा लेदर अप स्टेयरिंग आपको देखने को मिलता है, यहाँ से ग्लॉसी ब्लैक, यहाँ तक ब्लैक है भाई पूरा। स्टेयरिंग की बात करें, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही मिलेगा, किसी भी चीज़ के मतलब इसमें फीचर की कमी नहीं है। और दोस्तों बहुत से लोग कहते थे ना कि हुंडई वाले ये नहीं देते रेंज चेंज, मतलब जिसके जो वाइपर है वो ऑटोमेटिक नहीं देते, ये देख लो भाई ऑटोमेटिक वाइपर भी आ गया इसमें विद ऑटोमेटिक लाइट्स के साथ, बढ़िया भाई ये चीज़ भी आ गई इसके अंदर। यहाँ पर वॉइस कमांड कंट्रोल, यहाँ पर MID के कंट्रोल, यहाँ पर अपना ADAS के कंट्रोल्स, रेडार यहाँ लगाओ मिल जाएगा आपको। एंड बात करें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अभी आप डीजल गाड़ी देख रहे हो, यूरिया लेवल वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, टायर प्रेशर भी दिखाती है अपनी गाड़ी, करंट ट्रिप वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो, ऑटो स्टॉप वगैरह, यहाँ पर डिजिटल स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हो, नेविगेशंस भी आप इसमें देख सकते हो, पूरा डिजिटल आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड आपको राइट साइड आपको RPM मिलता है और लेफ्ट साइड आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको नीचे की तरफ माइलेज शो करता है जो अभी 9.3 का दिखा रही है। एंड यहाँ पर देख सकते हो रेंज है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस साइड पर, ठीक है भाई ये मैंने आपको बता दी। 10 इंचेस का आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, वायरलेस एंड्रॉइड कारप्ले नहीं चलाता, बाकी सब कुछ बाइक के अंदर बहुत सारे फीचर आपको इसमें भर भर के मिलते हैं। ब्लू लिंक वगैरह के फीचर मिल जाएंगे, नेविगेशन, मैप वगैरह अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मिलती, नेचर साउंड वगैरह। यहाँ पर अपना AC आपको इसमें आपको देखने को मिल जाती है। एंड इसमें आपको AC थोड़ी अलग मिलती है, टच वाली AC है, ये देख रहे हो ना आप, ये बटन नहीं है भाई, ये टच वाली AC जिसका रिस्पॉन्स अल्टीमेट है, ऐसा नहीं कि भाई नहीं चल रहा है, देख लो सब चलता है, लाइट का स्विच, यहाँ पर इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, USB पोर्ट, Alexa से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको USB पोर्ट इधर अभी आपको देखने को मिलता है, वो अपना चार्जिंग पोर्ट था सॉरी, यहाँ पर वायरलेस चार्जर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती है, इसमें आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड मिल जाता है और मैनुअल मोड मिलता है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड, पार्किंग, ये अपना पार्किंग सेंसर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, एडेप्टर क्रूज कंट्रोल का शायद ये फीचर आप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अपना वेंटिलेटेड सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है दोनों तरफ को, जो देखो भाई अभी चालू करी अभी ठंडा कर दिया इसने, पीछे से 2 कप होल्डर, सिल्वर फिनिश डिज़ाइन यहाँ से आ तक की। यहाँ पर आर्मरेस्ट विद स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट मिलता है अल्कज़र में, किसी भी फीचर की कमी नहीं है, बट डीजल वालों के साथ सनरूफ गया और अपना स्टेपनी व्हील। यहाँ पर भी लाइट देखो कितनी खूबसूरत जल रही है, MB लाइट यार, अल्कज़र तो बहुत खूबसूरत गाड़ी है यार सच में, उधर उधर हर जगह इन्होंने लाइटें दे रखी है। यहाँ पर बोस का स्पीकर देखने को मिल जाएगा, उस तरह ही वूफर आपको, यहाँ पर ऑटो डिमिंग एयर भी है, रेडार लगाओ वहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर ऊपर तरह नॉर्मल लाइट्स आपको देखने को मिलती है, सनग्लास होल्डर मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको इस तरफ कांच आपका देखने को मिलता है, इस तरफ यहाँ पर कोई कांच नहीं मिलता। यहाँ पर आपको बोर्ड में सन ओ मिल जाएगा अपना ग्रे हैंडल, सॉरी थोड़ा भूल गया था मैं, माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ मेन चीज़ आपको ड्राइविंग ट्रैक्शन कंट्रोल दिखाने भूल गया, ड्राइव मोड्स आपको दिखाता हूँ, पहले ये देख लो इसमें सुनो मड सैंड वगैरह, अब ये देख लो भाई नॉर्मल में ऐसा
ईको में भाई ऐसा लगता है भाई देखने के अंदर है नहीं, यहाँ पे स्पोर्ट्स में रेड तो अपना नॉर्मल ईको पे लगा देता हूँ भाई। ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, इसके अंदर काफ़ी प्यारी लगती है। चलो भाई ये चीज़ मैंने आपको बता दी, कोई सी भी चीज़ छूट गई तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक सीट मेरी यहाँ है ना, वो सेम की सेम यहाँ पर भी दे रखी है भाई, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यहाँ पर अपना कूल ग्लव बॉक्स भी देखने को मिलता है, एक भी फीचर नहीं गवाया मैंने आप लोगों के लिए, सब बता दिया। चाबी छुपी हुई है इसकी, चाबी ये भी मिलती है लॉक, ये तो खानदानी चाबी है भाई, ये देख लो लॉक अनलॉक होल्ड करके चालू कर सकते हो, बाहर से होल्ड करके पीछे का टेलगेट अनलॉक कर सकते हो, खुलेगा नहीं। लाइट बंद करते हैं, सारे फीचर अलर्ट कर दी। किसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ऐसे मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।